न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं यज्ञ सिंह ठाकुर। अपनी नवसूत्री मांगों को लेकर आज राजधानी में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ उपस्थित है। आइए जानते हैं इन लोगों की क्या क्या मांग है, इसके बारे में हम इससे सुनते हैं। हम अपने नवसूत्री मांगों को लेकर आए हैं, क्योंकि आज कई वर्षों से हम अपनी मांग सरकार के पास रख रहे हैं। बाकी सरकार अभी भी बहरा रूपी अपनी दिखा रही है और हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। तो अपना मांग आज परियोजना स्तर पर देकर, पूरे छत्तीसगढ़ में परियोजना स्तर में आज हड़ताल हो रही है हमारी, और परियोजना स्तर में अपनी मांग हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री नई दिल्ली, महिला बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ और सचिव के नाम आज हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमको शिक्षा कर्मी की तरह, मतलब हमको भी एक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, मानदेय में मध्य प्रदेश की जैसे बढ़ाया जाए, सुपरवाइजर भर्ती में कार्यकर्ता को 100% बिना उम्र बंधन के लिया जाए, सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर 25% को हटाकर सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर लिया जाए। इस तरह हमारी 9 मांगे हैं और उस मांग को लेकर जा रहे हैं। और आज हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम 1/11/2021 को बूढ़ा तालाब के पास एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना देंगे वहाँ पर। उसमें भी पूरा नहीं होती है तो हम 30 नवंबर को रायपुर में प्रांतीय धरना रैली, विशाल धरना रैली हमारी रहेगी। और उसके बाद फिर हम दिसंबर में 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रात और दिन का हम हड़ताल धरना स्थल पर करेंगे। आज हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं परियोजना अधिकारी के माध्यम से। हाँ, यहाँ पर हम अभी अपनी एक छोटी सी रैली निकाल कर मतलब प्रदर्शन करते हुए वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। कार्यकर्ता सब प्रदेश भर से हैं? ये प्रदेश की नहीं, ये परियोजना स्तर पर हैं। आज की जो भी हड़ताल हो रही है सारे परियोजना पर हो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में।